ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। ज्योतिष का आध्यात्मिक का धार्मिक चैनल है, इसमें ज्योतिष की आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर दिया उनके लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो देखें, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारा चैनल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवहरे सर्वलोकैकनाथं। मित्रों, मैं महेश पाठक सिद्धाम वृंदावन से, ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारा यूट्यूब का चैनल आपकी सेवा में हाजिर है। ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के रत्नों का संसार, ये हमारा अध्याय भी चल रहा है आपके सामने। इसमें आज हम बात करेंगे मिथुन राशि या मिथुन लग्न की। यह विषम पुरुष एवं दुस्वभाव राशि है। वायु तत्व है, क्रूर स्वभाव है, पश्चिम दिशा को सूचित करती है। आकृति युगल पुरुष की स्त्री तथा रंग हरा है। प्रभाव उष्ण, तर, जाति शूद्र, दिन बलि, द्रुपद एवं वन में विचरण करने वाली है। इसका स्वामी बुध राहु उच्च का फल और केतु इसमें नीच का फल करता है। इसका कद लंबा परंतु कई बार छोटा कद भी देखा गया है। शरीर संतुलित होता है तथा साधारणतया बाहें शरीर के अनुपात अनुसार होती हैं, लंबी होती हैं। रंग न अधिक गोरा होता है और ना ही अधिक काला होता है, मीडियम कलर होता है। चेहरा गोल एवं नाक आगे की तरफ कई बार तोते जैसी होती है। इस राशि वाले आँखें छोटी परंतु दीख दृष्टि जो बड़ी तीव्र होती है। जल्दी जल्दी चलना इनका स्वभाव होता है। बाल घने काले होते हैं तथा कान छोटे किंतु आकर्षक होते हैं। बुद्धिमान, ज्ञानी, बलवान, दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाले होते हैं। विद्या प्रेमी, अध्ययनशील, न्यायक बुद्धि, गाने एवं संगीत प्रिय, शायरी करने, कविता लिखने आदि के प्रेमी होते हैं। इनमें विश्लेषण करने की पूर्ण क्षमता होती है। बड़े ही प्रतिभाशाली, फुर्तीले, चतुर, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, बहुत अच्छे वक्ता, विनोदी, व्यंग करने व लिखने वाले तथा चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। ये कुछ न कुछ करते रहते हैं अपना तथा कोई अंग जरूर हिलाते रहते हैं, कभी हाथ या पैर हर समय हिलाते रहते हैं, और इस प्रकार स्वाभाविक पहचाने जाते हैं कि ये मिथुन राशि के जातक हैं। इनके विचार निर्माणमुखी, साइंस व कला के शौकीन तथा पूरे अन्वेषक होते हैं। हर काम को पहले अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसते हैं। सामाजिक ओर से सम्मानित भी होते हैं। खान पान में साधारण रुचि लेते हैं। अधिकतर शांत, चुप एवं अंतर्मुखी होते हैं। ये मस्तिष्क पर बोझ अधिक डालते हैं तथा दिमागी चिंता के कारण ये बेचैन रहते हैं। ये हर चीज़ को शंका की दृष्टि से देखते हैं। दूसरों पर भरोसा कम ही करते हैं। एक काम को सतत जारी रखना कई बार इनके बस की बात नहीं रहती। यूँ तो सोच सोच कर दुखी रहते रहते हैं। क्रोध कम ही होता है तथा शीघ्र शांत हो जाता है, और बाद में ये जातक पश्चाताप भी करते हैं। कुछ न कुछ करते रहना, प्रसन्न रहना तथा साथियों को प्रसन्न रखना इन्हीं का स्वभाव होता है। पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ स्थायी संबंध हो सकते हैं। साझेदारी एवं मित्रों के साथ निभी रहती है, परंतु परिवर्तनशील स्वभाव के कारण निराशाजनक परिणाम निकलते हैं। इसी कारण पड़ोसियों, सहयोगियों तथा ससुराल के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। यदि सातवें घर का स्वामी गुरु कहीं दुस्वभाव राशि में बैठ जाए तो दो विभाग का इनका योग बनता है। बुध बाद है एवं शुक्र बाद से उत्पन्न धनु संगीत। यदि ये दोनों साथ में घर में बैठे और अन्य ग्रहों की शुभ स्थिति हो तो पारिवारिक अवस्था सुखद होती है तथा पति पत्नी की जोड़ी बढ़िया चलती है। संतान कम ही होती है, उनकी माता पिता से साथ कम ही पड़ती है ऐसी संतान की। मिथुन राशि के जातक साधारणतः बड़ी बहन होती है, वह जातक के लाभ का कारण बनती है। यात्राएं बहुत करते हैं। नौकरी में बदली का चक्कर चलता रहता है, शत्रु से भय रहता है। ये जातक तेज से तेज वाहन में यात्रा करना पसंद करते हैं। यात्राएं बहुत करते हैं। कुशल अभिनेता, वकील, वक्ता, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, मजिस्ट्रेट, जज, नेता, व्यापारी, समाज सेवक, ब्रोकर, प्रॉपर्टी डीलर, नई कंपनी बनाने वाले,
सट्टा बाजार तथा शेयर मार्केट सेक्रेटरी संपादक अच्छे जासूस रिसर्च स्कॉलर अकाउंटेंट प्रेस अकाउंटेंट क्लर्क डेयरी क्लर्क टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं में सफल होते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। यदि बुध का योग सूर्य के साथ हो तो क्लर्क अधिकारी अर्ध सरकारी विभाग में होते हैं। ये प्राय स्थान तथा लाइन बदलते रहते हैं, इस प्रकार फिर सफल नहीं होते। आर्थिक पत्र तथा प्रतिष्ठा परिवर्तनशील होती है। ये बड़े बड़े धनाढ्य अपनी बुद्धि एवं चतुराई से बनते हैं। ये अच्छे साहसिक होते हैं, किसी के अधीन अथवा साथ काम करें तो सफल रहते हैं। इनको किसी का सहारा अवश्य चाहिए। आय के स्रोत इनके एक से अधिक होते हैं। पेट जीभ हाजमे की खराबी दिमागी भ्रम खांसी जुकाम निमोनिया तंतु विकार श्वास रोग नजला जुकाम दांत डाढ़ का दर्द नसों संबंधी विकार लकवा पागलपन बाक दोष चर्म रोगों की संभावना रहती है। मिथुन राशि का चिन्ह दो कन्याओं जैसा होता है। इसका स्वामी यदि कहीं नौवे घर में बैठ जाए तो श्वास के कारक को अपने अंदर कस लेता है। नवा घर बुजुर्गों आदि का भी है। इस प्रकार यदि बुध नवे घर में बैठ जाए तो बाप या दादा आदि किसी न किसी को श्वास या दमा की बीमारी अवश्य होती है। अब बात करते हैं कि इस राशि या लग्न वालों के लिए क्या रत्न हमें पहनना चाहिए। बुध का रंग हरा होता है और बुध के जो राशि हैं मिथुन राशि या मिथुन लग्न, इनको पन्ना पहनना चाहिए। पन्ना क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। पन्ने को संस्कृत भाषा में मरकत तादर्य फारसी और उर्दू में जुनर्द और अंग्रेजी में इसको इमरेल्ड कहते हैं। पन्ना हरे रंग का चमकदार पत्थर होता है। जिस पन्ना में लोच निम्बस जर्दी और रंग नीम की पत्ती के समान हो, नीम की पत्ती में जैसे हरा रंग थोड़ा पीलापन लिए होता है ऐसा उसका आवाहित होना चाहिए, वो पन्ना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पन्ना रत्न अपना अस्तित्व बहुत संभाल कर रखता है। पन्ना देखने में बड़ा आकर्षक होता है। हीरों के बीच में भी अगर पन्ना को आप जड़ दोगे तो वो दूर से आपको दिखाई देगा कि पन्ना जड़ा हुआ है, इतनी पन्ने की बढ़िया शानदार चमक होती है। किसी आभूषण में पन्ने जड़ दिए जाएं तो उसकी जो हरित आवा है वो सबको बड़ी मोहित करती है। पन्ना कहाँ मिलता है? रूखा चमकहीन अभ्रक के समान निकलने वाला पन्ना, इसकी अभ्रक जैसी चमक होती है। चीर दुरंग काला या पीला छीटा सोना माखी स्वर्ण के समान इसमें भिन्न पदार्थ होता है। ये पन्ने का एक तत्व होता है जो इसमें मिक्स होता है। पन्ना जो है रूस में मिलता है, अफ्रीका में मिलता है और भारत में ये अजमेर के पास खान है वहाँ खानों में मिलता है और बेल्जियम में मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है और अमेरिका में भी इसका जो पन्ने का खदान है वो अमेरिका में भी मिलती है। रंग और पानी में सर्वोत्तम पन्ना जो इन्हीं देशों का होता है। वैसे तो आजकल बाज़ार में नकली पन्ने भी चल रहे हैं लेकिन नकली पन्ने तो नकली होता है क्योंकि उनका कोई अपना ना महत्व है और ना ही उनकी कोई कदर होती है ना उनकी कोई कीमत होती है। वैसे बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है कृत्रिम पन्ना बनाने की लेकिन वो कामयाब नहीं है। आयुर्वेद में पन्ना जो है बुध ग्रह का सबसे बढ़िया पूज्य रत्न है। बुध ग्रह के विपरीत होने पर मिथुन और कन्या जो राशि या कन्या लग्न वाले इनको पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। पन्ना पाप नाशक है, संकट से बचाता है, बुद्धि दाता है, मन की शांति मिलती है, क्रोध को शांत करता है, नेत्रों की ज्योति बढ़ाता है। इस रत्न में अनोखी विकर्ण शक्ति विद्यमान है, शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखता है। अब आपको बात करते हैं कि इस पन्ने के अंदर क्या क्या खासियत होती है। पन्ना धारण करने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, इससे बुद्धि तेज होने लगती है। हाजमा अच्छा करने के लिए भी इसको धारण करते हैं। नौकरी और व्यवसाय की उन्नति के लिए पन्ना अवश्य पहनना चाहिए। पन्ना धारण करने से बुद्धि बहुत प्रभावशाली होती है। पन्ना धारण करने से अधूरी तमन्नाएं पूरी होती हैं, बल में वृद्धि करता है, शरीर को आरोग्य प्रदान करता है। जिस घर में पन्ना जिस स्थान पर रखते हैं वहाँ अन्न और धन की वृद्धि होती है और जो उसकी संतान है सुख संतान से उसको सुख मिलता है। मिथुन लग्न या राशि वाले पन्ना धारण करें तो जो उसकी पारिवारिक परेशानी है वो कम हो जाती है। कन्या राशि या कन्या लग्न वाले भी धारण करें तो राज्य
व्यापार, पिता, नौकरी और शासकीय कार्यों में उसको लाभ होता है। पन्ना पहनने से जातक की बुद्धि बोध और बुद्धि दोनों उत्तम होते हैं, अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। और जातक की जो बहन होती है उसकी परेशानियाँ भी पन्ना पहनने के बाद वो कुछ कम हो जाते हैं। अब पन्ना को कैसे धारण करना चाहिए? पन्ना को सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी जो ये कनिष्का उंगली होती है, इस कनिष्का उंगली में ये धारण किया जाता है। इसका दिन बुधवार है और नक्षत्र बुध के हैं। बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, उसमें आप किसी में पन्ना धारण कर सकते हैं, या बुध की हो रहा हो उसमें पन्ना धारण कर सकते हैं। शुभ चौघड़िया होनी चाहिए, उसमें पन्ना आप धारण कर सकते हैं। अब आपको उसका तरीका बताते हैं, पन्ना आपने कैसे धारण करना है। मंगलवार की रात को आप कच्चे दूध के अंदर पन्ने की रिंग बनवा के इस छोटी उंगली के साइज़ की, और उसको कच्चे दूध में रख के आप उसे डाल दीजिए। पूरी रात उसको उसमें पड़ा रहने दीजिए। सवेरे उसको निकाल करके पहले उसको जल से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए। हमारे यहाँ जैसे हम देवी देवताओं की 16 प्रकार की पूजा करते हैं, इसको हम षोडशोपचार पूजन बोलते हैं, उसी प्रकार पन्ने का भी आपने 16 पूजन करना है। पूजन करने के बाद में आपने उसके लिए एक माला बुध की, मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रों सह बुधाय नमः, या ओम बुम बुधाय नमः, ये भी मंत्र है, ये छोटा मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है ये, और जो उसका वैदिक मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रों सह बुधाय नमः, ये मंत्र है उसका। आप इन दोनों मंत्रों में से कोई सा भी एक मंत्र लेकर के उसकी कम से कम एक माला आप अवश्य उसका जाप करें। उसके बाद आपको कम से कम एक माला का इसका हवन भी अवश्य करना है। आप अगर माला जाप करके हवन करते हैं, उसके बाद उस पन्ना की जो रिंग है उसको अपने इष्ट का नाम लेके, जिसको भी आप मानते हैं उसका नाम लेके, आप छोटी वाली उंगली के अंदर को धारण कर सकते हैं। ये छोटी उंगली है, चिदकी बोलते हैं इसको, कनिष्का उंगली, इसमें आप उसको धारण कर सकते हैं। और जिस दिन आपने ये पन्ना धारण किया है उसी दिन आप शाम को हरी चीज़ का दान करें। हरा वस्त्र है, हरी चूड़ी है, या आप हरी मूंग की दाल का भी दान कर सकते हैं, या आप कोई हरा सब्जी चारा होता है गाय को दान कर सकते हैं, या कोई हरी सब्जी दान कर सकते हैं। हरी चीज़ का आपने दान करना है, और दान करने के बाद आप पन्ना पहन सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मित्रों, ये मैंने आपको आज मिथुन राशि के बारे में बताया कि हमारे इस रत्नों के संसार वाले अध्याय में आज मिथुन राशि के लिए क्या पहनना चाहिए, मिथुन राशि क्या है, कैसे कैसे उसके आचार विचार होते हैं, पन्ना क्या है, पन्ना हमें क्या लाभ करता है, ये पूरी जानकारी मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में दी है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय अवश्य दें। हमारे प्रोग्राम को देखें, वीडियो देखें, और हमारे चैनल को ज्योतिष सेवा वृंदावन इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं अपने इष्ट मित्रों को शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही अगली जो कड़ी है हमारी रत्नों के संसार की, उसमें आपको हम कर्क राशि और मोती के बारे में जानकारी देंगे कि कर्क राशि क्या है और मोती क्या है, उन दोनों का पारस्परिक संबंध क्या है। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।